नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। रक्सा हाईवे पर पड़ने वाले सिजवाहा तिराहे के आसपास प्रतिदिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कभी ट्रक पलट जाते हैं, कभी गाड़ियों आपस में भिड़त हो जाती है। बीते दिन दतिया जा रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया और उसकी मौत हो गई। और आज सुबह 11 बजे गोली गुप्ता नाम की एक महिला रक्सा हाईवे क्रॉस कर रही थी, उसी समय एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसका पैर कुचल दिया। महिला को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां दोपहर 2 बजे उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक का ड्राइवर ट्रक से कूदकर फरार हो गया। प्यास से भरे इस ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आए दिन हो रही इन भीषण दुर्घटनाओं पर शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। रक्सा तिराहा दुर्घटनाओं का बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ पर एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक गोल सर्कल बनाया जाना जरूरी है, परंतु कई साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक शासन प्रशासन इसका संज्ञान नहीं ले पाया है। ना जाने कितने लोग अब तक इस जगह पर हादसों के दौरान मर चुके हैं। अनगिनत गाड़ियां रोड क्रॉस करते हुए पलटी हैं, भीषण एक्सीडेंट हुए हैं, परंतु फिर भी शासन प्रशासन सोया हुआ है। नमस्कार, मैं ऋषभ यादव बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी टीम आ पहुंची है रक्सा हाईवे पर पड़ने वाले सिजवा तिराहे के पास। यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है, कभी ट्रक पलट जाता है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसी घटनाएं होती रहती है। कभी कोई गाड़ी आपस में भिड़ जाती है। यहां पर प्रशासन को एक सर्कल बनाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं बना हुआ है। अब बीते दिन एक दतिया जा रहे युवक को ट्रक ने कुचल दिया था, परंतु प्रशासन का ध्यान उस पर भी नहीं गया। और आज ही सुबह की बात है, एक महिला का पैर ट्रक ने कुचल दिया। हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर महिला का पैर कुचला गया था ट्रक के द्वारा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, वही वो जगह है जहां पर महिला का पैर कुचला गया था, और प्रशासन अभी भी सो रहा है अपनी नींद में। जैसे कि आप देख सकते हैं, वही वो जगह है जहां पर महिला का पैर कुचल गया था, और अभी भी वहां पर खून के निशान पड़े हुए हैं। आज लगभग 11 बजे महिला का एक्सीडेंट हुआ था। उस महिला का नाम गोली गुप्ता बताया जा रहा है। और यहाँ पर रोड क्रॉस करते समय देख सकते हैं, वही वो जगह है जहाँ पर महिला का पैर कुचल गया था, और रोड क्रॉस कर रही थी वह महिला, उसका नाम गोली गुप्ता बताया जा रहा है कि उसको एक्सीडेंट के बाद मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती कराया गया था, और जहाँ पर आज उसकी मृत्यु हो चुकी है। आए दिन ऐसे भीषण हादसे होते रहते हैं यहाँ पर, और पता नहीं कितने ही लोग हादसों का शिकार होते हैं और कितनी ही गाड़ी आपस में भिड़ जाती है, परंतु प्रशासन का इसके लिए कोई भी जवाब नहीं है। प्रशासन को यहाँ पर एक गोल सर्कल बनाना चाहिए था, जिससे कि लोगों को आसानी हो सके, आने जाने वाले लोगों को आसानी हो सके, परंतु प्रशासन का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और पता नहीं कितनी ही घटना यहाँ पर होना बाकी है। आइए हम गोली गुप्ता जी के पुत्र से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या हुआ था। आप अपना नाम बताएं। पवन गुप्ता जी, आप बताइए कि क्या हुआ था आखिर। बस कुछ नहीं, खाना पीना खिलाया, बोले माता जी अब वही रहता है, क्योंकि हमने कहा भैया बैठो सुबह, अचानक भैया करता है काम करता उधर, तो उधर जा रही थी गाड़ी आई। तो क्या आए दिन यहाँ पर ऐसे हादसे होते रहते हैं? हाँ, होते ही रहते हैं। और आज आपकी माता जी के साथ ऐसा हादसा हो गया है जी। जी, आखिर एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ था? उन्हें मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया जी। और आपकी माता जी का देहांत कितने बजे लगभग? वही 2 बजे। 2 बजे जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, और यही वो सिजवा स्थित रहा है जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, ट्रक पलट जाते हैं, और आए दिन कोई ना कोई गाड़ी दूसरे में बढ़ जाती है। अभी बीते दिनों की बात है, यहाँ पर दतिया जा रहे एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया था, और उसको बड़ी संदिग्ध हालत में ले जाया गया उसका शव यहाँ से, और आज ये घटना हमको देखने को मिली। और इसके पहले भी काफ़ी सारी घटनाएँ हो चुकी हैं, और सरकार का प्रशासन का इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अभी हमारी टीम आ पहुंची है रक्सा थाने। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो महिला जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका नाम गोली गुप्ता था। आइए हम आपको वो ट्रक दिखाते हैं जिस ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ है। आइए देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने, यही वो ट्रक है जिससे महिला का एक्सीडेंट हुआ था। इस ट्रक का ड्राइवर भाग चुका है, और पुलिस ने इस ट्रक को जब्त कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें ओवरलोडिंग हो रखी है, और इसमें प्याज भर के ले जाए जा रहे थे। ये देखिए, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ट्रक पर अभी भी खून के निशान है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, जैसे कि इस ट्रक पर ये अभी भी खून के निशान है। इसी ट्रक से महिला का एक्सीडेंट हुआ था, और यही वो ट्रक है जो पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है, और इस ट्रक पर प्याज ले जाए जा रहे थे। ऐसी खबरों के साथ बने रहिए बुंदेलखंड न्यूज 24 के साथ, और देखते रहिए हमारा चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सीधा स्वभाव, सरल व्यक्तित्व, बेदाग छवि, कर्मठ और जुझारू, झांसी सदर विधानसभा से जनता के दिल में एक ही नाम,
सीताराम सीताराम। समाजवादी पार्टी के झांसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार सीताराम कुशवाहा को अपना अमूल्य वोट देकर विजय बनाए।